ये नरेंद्र मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। इस लड़ाई में अधर्म निष्ठा की लड़ाई को मजबूत करने के लिए 18 दल के साथ मिल करके हम लोग एक इंडिया करके अपना गठबंधन हम लोगों ने बनाया है और पटना में मीटिंग होती रही और फिर बेंगलोर में और अभी बम्बई में 11-31 तारीख को वहाँ पर हम लोग एक तरह से फाइनल ही करेंगे ताकि टाइम अब नहीं है लोकसभा का। मीटिंग में क्या कौन कहाँ से कितना लड़ेगा क्या इस बात पे भी फाइनल फाइनल करेंगे, उसका एक स्वरूप बना लिया जाएगा और स्वरूप बना लेने के बाद जो जहाँ मजबूत है ताकतवर है तो वो सब हम लोग उसका ध्यान रखेंगे और सब मिल करके हम लोग इंडिया को हम लोग विक्ट्री दिलाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ बताया हुआ संविधान को जो बिगाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एकदम इंटैक्ट और मजबूत करेंगे। ये भी चर्चा चली कि इंडिया का कन्वेनर है, किसी को बनाया जाएगा, नीतीश कुमार का भी नाम आया कि क्या कन्वेनर बनाया जाएगा। लोग कोई भी हो सकते हैं, वहाँ सब लोग बैठ के हम लोग कर जो भी होगा राय। कन्वेनर का मतलब सबका मने सहमति से ही कुछ भी होगा, उस इसमें कोई झंझट फटफट नहीं है, कुछ हम लोग बैठ के तय करेंगे और स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना बना करके ताकि सहूलियत हो लोगों को काम करने में अपने अपने राज्यों में। और हर स्टेट में भी कन्वेनर अलग अलग बनाए जाएंगे, हर एक स्टेट में भी अलग अलग कन्वेनर के रूप में बनाए जाएंगे। हमारे कई एक स्टेट मिला के इतना सब इतना कन्वेनर बनाने से क्या फायदा। मान लीजिए कि एक्स बना, कोई भी एक्स ही बना तो वो चार राज उनके जिम्मे दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए और लोगों से संपर्क करके लोकल लीडर से पार्टी से ऐसे होगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, फाइनल हो गया है तो हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि जो नया इंडिया गठबंधन बना है वो परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। इतना बेचैन और परेशान है, इतना बेहोश की तरह बेहोशी की तरह बात करते हैं, ये भी बात बोलते हैं। बताओ देश की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी चुनेगी और ये बता रहे हैं कि 24 में हम ही झंडा फहराएंगे, हम ही सब बजट फिर बनाएंगे। ये तो ऐसा तो हम लोगों ने देखा नहीं था, प्रधानमंत्री सुना नहीं था। ये बेचैनी है इनको और बेचैनी का खामियाजा ये है कि अब उसमें उभारेंगे। आपने तो ऐलान भी कर दिया कि अगले बार नहीं बनेंगे, बनने का कहाँ सवाल है अब, बनने का वोट अब कहाँ है। आप सब हम लोग सब जगह कंप्लेन करेंगे। सर एक चर्चा ये भी हुई थी कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे तो तेजस्वी जो है यहाँ बिहार मुख्यमंत्री संभालेंगे। केंद्र राज्य की राजनीति एक ही राजनीति होती है, राज्य में या केंद्र में, उसमें कोई झमेला नीतीश जी से और हम लोगों से तेजस्वी से नहीं है। हमको हमारा एक ही लक्ष्य है, मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ, देश को बचाओ, महंगाई बेरोजगारी बेतहाशा जो बढ़ा है, 60 रुपया किलो भिंडी बिक रहा है, बताओ 300 रुपया टमाटर, ये हालत है, कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है। तो ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कार्यकर्ता तो ये देखना चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। देखना चाहते ही हम मुख्यमंत्री बनने, तो उसमें कोई बिगाड़ कहाँ है,
डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो है ही ना, बनना है देश की जनता सब लोग मिलकर हम लोग तय करेंगे समय आएगा। जल्दी कमान संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे सर? हाँ, इशू ये अभी नहीं है, हमारा इशू एक ही है कि भाजपा को हटाना है एकदम बिल्कुल, 24 के चुनाव में इनको बुरी तरह से पराजित करना। अच्छा, क्या ऐसा हुआ था क्या कि ये जो नया गठबंधन बना था उसमें डील हुई थी क्या कि जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो तेजस्वी को मिलेगा, ऐसा कुछ डील हुआ था क्या था? नहीं नहीं, इस तरह का कोई मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हम हुआ था, वो यही बता रहे हैं कि इकट्ठा हम लोग को सब लोग को होना है, एकदम इंटैक्ट रहना है, डू एंड डाई की तरह हम लोग को इकट्ठा होकर के, बाकी सारा देश आजाद हो गया, सब लोग बन गया। तो कल थावे में जो पूजा करेंगे क्या ये भी प्रण रहेगा कि 2024 की लड़ाई पूजा? हाँ, माँ भगवती यहाँ है, हम लोग उनसे ज्यादा देवी देवताओं का पूजा करते हैं। ये तो हनुमान जी को दुरुपयोग किए नरेंद्र मोदी चुनाव में, हनुमान जी ने ऐसा गद्दा मारा कि तो बेइज्जत करता है हम लोगों को भाई, गदा मारा कि चित हो गए अभी बंगलोर में कर्नाटका में, उससे इसी तरह से इनको जाना है सर। एक अंतिम सवाल सर, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, सबसे अच्छा चेहरा है? अच्छा, बुराई कुछ नहीं है, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, हम लोग बैठ करके जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद हम लोग चुन लगे, कोई ऐसा कोई बात नहीं। तो ये थे लालू प्रसाद यादव और उन्होंने खुल करके अपनी बातें रखी और कहा कि 2024 की जो लड़ाई है वो मजबूती से लड़ी जाएगी और भाजपा को हराया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 गोपालगंज।